feel alive. Trust me, close your eyes. Let me help you. Close your eyes. Let me help you. Feel alive. हेलो फ्रेंड्स, सर्किट पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, आज का जो हमारा वीडियो इन्वर्टर रिपेयरिंग का, इन्वर्टर रिपेयरिंग 5, तो आज का जो वीडियो मैं पूरी सोल्यूशन बता दूंगा, जो कि आपका किट ख़राब हो गया और नहीं बन रहा तो आप क्या करें। तो नहीं बन रहा तो लास्ट उपाय यही है कि इस किट को चेंज कर दें। इस किट को चेंज करें तो कौन सा किट लेगा, आपके मन में इसी का यही सवाल होगा। तो इस किट की जगह में मैं एक न्यू किट लेकर आया हूँ सवाल का। इस ब्रांड का किट में बहुत ही खास चीज़ है, इसमें 2 IC का उपयोग किया गया और 1 IC नहीं है। इससे कोई दिक्कत नहीं है, काम सेम ही करता है। इसमें खास है ये कि जो भी कनेक्शन है सारे क्लिप बाय क्लिप आपका बैठ जाएगा। एक नॉर्मल इंसान भी इस किट को लगा सकता है या घर में भी आप लगा सकते हैं। तो खास है ये कि ज़्यादा कनेक्शन इसमें जोड़ने की ज़रूरत नहीं, जितनी क्लिप बाय हैं सारे क्लिप बाय खोल के आपको क्लिप बाय लगाना और इन्वर्टर काम करने लगेगा बहुत ही कम प्राइज। 250-300 रुपये के आसपास एक किट आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा। तो आप उतना जितना खर्चा करेंगे उसको बनाने में, और नहीं बन रहा तो उससे ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। तो यही है मुख्य बात, और कुछ टॉपिक है जो कि न्यू किट में क्या होता है और हमारे जो पुराना किट में प्रॉब्लम क्या है, तो इसी के बारे में आज मैं डिस्कस करके बताऊँगा। अब देखिए, क्लिप बाय जो कनेक्शन है किस तरह लगाना। देखिए, हम पहला जो है स्विच का क्लिप खोल रहा हूँ और इस सेम किट में आपको उसी जगह पर लगाना। देखिए, टसरों बगल में स्विच का कनेक्शन है, तो इस जगह में मैं क्लिप कर दे रहा हूँ। और जो मैं इस वायर को खोला, जो लाइट के लिए कनेक्शन जो इंडिकेट करता है, उसको भी सेम खोल के सेम ही लगा देना। इस किट में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो सवाल का किट है इसमें सेम दिया हुआ है। और दूसरा किट का होगा तो मैं उसका भी वीडियो बना के दिखाऊंगा। सेम सारी प्रोसेस, जो एक ट्रांसफार्मर का कनेक्शन था जो भी मैं लगा, तो ये सारे कनेक्शन आपको क्लिप बाय क्लिप बहुत ही आसानी तरीके से आपका इन्वर्टर में लग जाएगा। अब देखिए, मैं 2 कनेक्शन का खोल रहा हूँ, जहाँ से मैं हमारा जो आउटपुट गया था 12 वोल्ट लाइट के लिए, तो इसका भी मैं आपको जोड़ के दिखा दे रहा हूँ। तो नॉर्मली इसका भी कनेक्शन आप माइनस प्लस जहाँ का बैटरी का पावर जुड़ा हो वहाँ से आप जोड़ सकते हैं, तो वहीं पर आप इजीली तरीके से जोड़ दें और आपका जो 12 वोल्ट आउटपुट आपको मिल जाएगा। तो माइनस प्लस की जगह में मैं जोड़ा हूँ, आपका कन्फ्यूज ना रहे, आप बैटरी से भी आप जोड़ के बाहर निकाल सकते हैं। तो चलिए, हमारे चैनल में जो न्यू जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड कॉमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो वो सबसे पहले आप देख पाएँ। तो चलिए, मैं एक चीज़ इसमें ट्राई करने वाला हूँ और आपको जो प्रैक्टिकली है मैं वो दिखाना चाहता हूँ। तो क्या है वो प्रैक्टिकली, और क्या जो प्रॉब्लम आती है, और न्यू किट में क्या है और पुराना किट में क्या प्रॉब्लम है, इसका भी मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। इसके पहले वीडियो में मैंने डिस्कस किया हूँ जिसको बनाने में क्या सफल रहा हूँ, तो उस चीज़ को प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो ही आपका इन्वर्टर वर्क करेगा, नहीं तो नहीं। तो उस चीज़ को मैं बनाने के लिए अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ और उसका मैं रिसर्च जारी रखा हूँ कहाँ से क्या बनेगा, तो उसका भी वीडियो अगर बन जाएगा तो मैं दिखाऊँगा। और ये देखिए, हमारा इन्वर्टर भी ऑन हो गया नए किट में, सारे कनेक्शन सेम। तो देखिए, मैंने लाइट भी ऑन कर लिया हूँ। और चलिए, मैं इन्वर्टर को ऑन करके ही मैं इसका वोल्टेज चेक करके दिखा रहा हूँ, जहाँ से मैं अगले बार दिखाया था। तो चलिए, इस ट्रांजिस्टर में मैं वोल्टेज चेक कर ले रहा हूँ। तो देखिए, ये मीटर में लगाया तो 12 वोल्ट बताया और कलेक्टर में लगाया तो 7 वोल्ट। तो ये मीटर कलेक्टर किधर है हमको पता नहीं है, बट मैं बीच में लगा के दोनों तरफ साइड में मैं चेक कर लूँगा। एक तरफ 12 वोल्ट आएगा और एक तरफ 7 वोल्ट आएगा। तो देखिए, मैं जहाँ पे अभी लगाया वहाँ पे 12 वोल्ट आ रहा है, दूसरी साइड में 7 वोल्ट आ रहा है। देखिए, अभी मेरा इस साइड में 12 वोल्ट और दूसरी साइड में 7 वोल्ट आ रहा है। अगर ये वोल्टेज आपका सेम है तो आपका इन्वर्टर सही है। तो ये न्यू किट का डाटा शीट हमको बता रही है कि यहाँ पर 7 वोल्ट आएगा और हमारा जो पुराना किट में 12 वोल्ट आ रहा था, तो यही है रीज़न। अब मैं चलिए इस मॉस्फेट को भी खोल के दिखा देता हूँ कि कितना वोल्ट आ रही है रियली में। तो चलिए, मॉस्फेट को भी मैंने ओपनिंग कर लिया हूँ, और चलिए मैं मॉस्फेट खोलने के बाद भी मैं चेक करके दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर 12 वोल्ट और सेकंड में भी
7 वोल्ट, तो 7 वोल्ट आपका बन जाएगा। मॉस्फेट खोलने के बाद भी आप इस चीज़ को आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका इन्वर्टर बन जाएगा, और उसके बाद ये चीज़ चेक करने के बाद ही आप मॉस्फेट लगाएं, इतना वोल्टेज आ रही है। अगर इतना वोल्टेज आ रही है और आप इसके बाद मॉस्फेट लगाएं तो आपका मॉस्फेट कभी नहीं उड़ेगा और आपका इन्वर्टर बन जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो आपका इन्वर्टर बनने में बहुत ही दिक्कत होगा और बनेगा भी नहीं, और आपका जो मॉस्फेट है 20 रुपया 40 रुपया 50 60 रुपये का जो आपको बर्बादी है वो होके रहेगा। अगर इतना ऐसा ही हो रहा है तो, अगर नहीं बन रहा तो आप न्यू किट आप इजीली लगा दें ताकि आपका जो है सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगा। न्यू किट लगाने के लिए आपको 250 रुपये 350 रुपये के आसपास की प्राइस इस किट की है। तो हमारा वीडियो कैसा लगा लाइक एंड कमेंट करें, ताकि जो भी लेटेस्ट सब्सक्राइब करें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो वो सबसे पहले आप देख पाएंगे। और इसकी जो है 6 पार्ट भी आएगा इस वीडियो का, इसके लेवल पार्ट बाय आपको इसके जो भी प्रॉब्लम है नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका वीडियो बना कर मैं देते रहूँगा क्या क्या प्रॉब्लम आती है। तो जब भी हमारे शॉप में रिपेयरिंग के लिए आएगी तो मैं इसकी जो अलग प्रॉब्लम होगी चार्जिंग प्रॉब्लम है ये सब है तो इसका भी वीडियो मैं बना कर दूँगा। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख पाए। तो चलिए गुड बाय, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।